हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो अभी सभी लोगों का था कि सर प्रीवियस ईयर वाली बुक जो है इस बार की 2020 की, ये कब आ रही जिसमें 2019 के पेपर होंगे। तो 2020 की बुक प्रिंटिंग के लिए चली गई है, प्रिंट होना भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप 15 अप्रैल से प्री बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्री बुकिंग रहेगा। आप गेट एकेडमी पब्लिकेशन की वेबसाइट में जब जाओगे तो आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि अगर आप वॉल्यूम 1 परचेस करते हो, वॉल्यूम 2 परचेस करते हो, दोनों वॉल्यूम परचेस कर सकते करते हो, या मैथमेटिक्स के साथ परचेस करते हो, या एप्टीट्यूड के साथ परचेस करते हो। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक दोनों वॉल्यूम आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के दोनों वॉल्यूम आ रहे हैं, मैथ्स आ रहा है और एप्टीट्यूड आ रहा है, ठीक है। इस बार और क्या क्या न्यू है, इस बार आप देखोगे तो इस बार हम लोग और भी बेटर वे में चीज़ों को क्रिएट किए, मतलब आप जब देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि कैसे बेटर वे में किए हैं। करेक्शन का भी बहुत ट्राई किया कि जो करेक्शन रहे वो जो बेसिक जो करेक्शन थे वो भी बहुत इंप्रूव हुए हैं। कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और भी ऐड किए गए, क्योंकि जो उसका फर्स्ट एडिशन था वही इतना फेमस और पॉपुलर था, तो सेकेंड एडिशन लोगों को देख के और भी अच्छा लगेगा, मेरे को लगता है गुड फीलिंग आएगी। तो 15 अप्रैल इवनिंग तक मेरे को लगता है कि प्री बुकिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, 30 अप्रैल तक रखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर शिपिंग जो चालू होगा वो लगभग मेरे को लगता है कि मई के फर्स्ट वीक से होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्लानिंग पूरी रहती है, फिर कुछ एक दो दिन इधर उधर हो जाता है तो फिर आप परेशान भी होते हैं, तो थोड़ा सा कंसिडर किया करो थोड़ा बहुत अगर होता है तो आप कर लीजिए। आपके पास सबसे पहले बुक मार्केट में आने से पहले सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और आप फीडबैक भी ले सकते हो प्रीवियस ईयर की जो बुक है, जितनी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैथ्स, एप्टीट्यूड। मैकेनिकल का तो मैं बता ही चुका हूँ, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड वैसा कंपेरिजन बेसिस पे किसी की बुक भी नहीं है अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। तो वो आपको फीडबैक भी है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। आप अगर फीडबैक लेंगे, जेन्युइन फीडबैक लेंगे, तो आपको पता भी चल जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसमें सर इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक आ रही कि नहीं, तो इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक कमिंग सून में, अभी इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक मेरे को लगता है कि मैं अपडेट करूंगा आपको। इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक का जो लेटेस्ट एडिशन है वो कब तक आ रहा है, अभी तक इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक को प्रिंटिंग के लिए नहीं भेजा गया, कुछ दिन के अंदर ही भेजा जाएगा, तो उसको मैं अपडेट करूंगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तो प्रिंटिंग के लिए जा चुका है और प्रिंटिंग होना स्टार्ट भी है। बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 15 से स्टार्ट हो जाएगा प्री बुकिंग, आप 30 तक कीजिएगा प्री बुकिंग का। जो भी बेसिक एडवांटेज हो एडवांटेज लीजिएगा उसमें। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर शिपिंग को अगर हम फ्री कर सके तो वो भी हम ट्राई कर रहे हैं कि शिपिंग कैसे फ्री होगा, या फिर शिपिंग के कुछ चार्जेस होंगे तो वो देखेगी हमारी टेक्निकल जो टीम है और जो अकाउंटेंट वाली जो टीम है वो पूरा चेक करेगी कि क्या हो सकता है। बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट की होती है कि कंटेंट कैसा रहेगा, तो कंटेंट आप इन्जॉय कीजिएगा। प्रीवियस ईयर की बुक बनाने के बाद आपको गुड फीलिंग आना चाहिए कि प्रीवियस ईयर की जो बुक है वो किस फॉर्म में है, कैसी बुक रखी गई है, तो वो आपको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो वैसा आप कीजिएगा। तो मेरे को जस्ट अपडेट करना था आपको कि प्रीवियस ईयर की बुक आप यूज़ कीजिए, इन्जॉय कीजिए, अपना जो प्रिपरेशन है उसको और भी इम्प्रूव कीजिए। मेरे पीडी वाले जितने लोग हैं, पीडी और जीडी कोर्स वाले, उनका क्वेश्चन हो भी सकता है कि सर हमको 2019 वाली बुक मिली, 20 वाली बुक नहीं मिली जिसमें 2018 तक का पेपर है। लेकिन जितने लोगों को पीडी और जीडी कोर्स वाले जितने लोग भी हैं उन सब लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया 2019 का गुड फॉर्म में, और जो बेसिक करेक्शन थे वो उसका एक फाइल बना के मैं सीक्रेट ग्रुप में डाल भी दूंगा, जिससे कि आपके पास आ जाए। इवन मैं वेबसाइट में भी जो बेसिक करेक्शन थे वो डाल दूंगा, जिससे कि आपके पास वो करेक्शन वाला चीज़ भी आ जाए, ठीक है। तो किसी को भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और जो न्यू बुक जो लोग परचेस करेंगे उनके पास तो न्यू बुक रहेगा 2019 इंक्लूड करते हुए, तो ऐसा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप परेशान ना हो और आप अपने कंटेंट वाले पार्ट पर वर्कआउट करते रहे, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ दिया करो, ठीक है। तो आपको देखना रहेगा कि आप किस फॉर्मेट में आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि डे बाय डे इतने सारे प्रोडक्ट होते जा रहे हैं, गेट एकेडमी के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको कैसे कोई यूज कर पाएगा, कैसे अपनी प्रिपरेशन में अच्छे फॉर्म में कनेक्ट कर पाएगा, ये देखना होगा। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। जितने भी ऑफलाइन क्लास वाले मेरे गेट एकेडमी वाले लोग हैं, जितने पेन ड्राइव, जी ड्राइव, ऑनलाइन क्लास वाले, और जितने सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं पूरे इंडिया से, यूट्यूब चैनल को जो फॉलो करते, सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत एडवांटेज होगा आपको। आप देख भी सकते हो कि जब गेट का एग्जाम था तो हम क्यू के रिविजन वाले वीडियो डाले थे, उसमें भी बहुत बहुत सारी बातें थी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था। तो सबको आप यूज़ करना है, अगर आप कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है और गेट एकेडमी की वीडियो को फॉलो कर रहा है तो उसको केयर करना होगा कि वो किस ऑर्डर से, किस सिक्वेंस से, कैसे फॉलो करे। तो अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो आपको एक गुड आइडिया होगा, गुड फॉर्मेट में आप जा सकते हो, अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे
जो गेट अकेडमी के चैनल को फॉलो करके बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट है, वो सभी लोगों को आइडिया है, सब लोग कंटेंट देख पाते हैं। ठीक है, तो मैं बोला कि प्री बुकिंग 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप प्री बुकिंग देखिएगा। अगर थोड़ा बहुत वेबसाइट में कुछ अगर ज़्यादा अगर ट्रैफिक हो गया तो हो सकता है 15 को ओपन ना हो, 16 को ओपन हो, इट मे बी, तो आप चेक करते रहिएगा। फिर भी मैं आपको बता दिया कि 30 तक रखेंगे, 15 डेज का पूरा एक टाइम रखेंगे। और ऐसे लोग जो इस बुक के बारे में नहीं जानते हैं या किसी से फीडबैक नहीं लिए, जेन्युइन फीडबैक नहीं लिए, तो ऐसे लोग वेट कर सकते हैं। जब बुक आएगी वेबसाइट में कुछ सैंपल कॉपी दिए रहेंगे हम लोग, उसको देख सकते हो, या फिर जेन्युइन जब फीडबैक आएगा जब बुक मार्केट में आ जाएगी तब आप देख सकते हो। क्लियर, दिल्ली वैली वगैरह में तो सब जगह बुक मेरे को लगता है कि कुछ समय के बाद पहुँच ही जाएगी, तो आप उस समय बुक को देखने के बाद भी डिसाइड कर सकते हो। तो वही लोग प्री बुकिंग कराए जो बिलीव करते हो और जिनको बुक जल्दी चाहिए, जो बिलीव करते हैं, जिनको पता है कि कंटेंट अच्छा मिलेगा, जो बिलीव करते हैं कि हमको थोड़ा सा एडवांटेज ले लेना चाहिए प्री बुकिंग का, बाद में तो फिर जो भी डिस्काउंट वगैरह रहता है वो टेक्निकल टीम डिसाइड करती है, तो वो मिनिमम हो जाता है या तो जीरो ही हो जाता है, तो वो आपको देखना रहेगा, आपको डिसाइड करना है। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को बोलूँ कि नहीं आपको परचेस करना है। मैं चाहता हूँ कि फ्रीडम रहे, आपको पता रहे आप इंजीनियर हो, आप स्मार्ट हो, आपको पता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ ख़राब है, कौन सी चीज़ हमको परचेस करना चाहिए, एक जेन्युइन फीडबैक कैसे लेते हैं, एक जेन्युइन कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, वो आपको सबको पता है। तो ठीक है, कैरी ऑन कीजिएगा। बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होती है कि प्रीवियस ईयर की बुक में मैं जितना बेस्ट वर्कआउट हो सकता था उतना बेस्ट वर्कआउट किया और आपको गुड फॉर्म में प्रोवाइड भी कर दिया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैं इसको कर पाया। ठीक है, तो आप इन्जॉय कीजिए इन सब चीज़ों के साथ में, डे बाय डे हम लोग और बिग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। बिग फॉर्म होगा गेट अकेडमी का और गेट अकेडमी फैमिली को हम अच्छे से कैरी करेंगे। तो आप यूट्यूब फैमिली वाले जितने लोग भी हो, ज़्यादा वरी ना करें कि चीज़ें सर 2019 में कैसे होने वाली है, ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस है और भी प्लानिंग का पार्ट है कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसका एग्जीक्यूशन बहुत बेटर करते जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कनेक्टेड रहिए और इन्जॉय करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।